हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास. वी वर स्टडिंग अबाउट द रिवर ट्रेनिंग वर्क एंड वी हैव ऑल्सो सीन द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिवर ट्रेनिंग, राइट? सो रिवर ट्रेनिंग एक बार जो है हम लोग उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे जो है नेक्स्ट हम रिवर ट्रेनिंग वर्क जो मेथड्स हैं हमारे रिवर ट्रेनिंग वर्क उनको पढ़ेंगे, ठीक है? तो रिवर ट्रेनिंग जो है हमारा, रिवर ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है और रिवर ट्रेनिंग हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो रिवर ट्रेनिंग इज अ मेजर विच इज अडॉप्टेड टू अ रिवर टू स्टेबलाइज द रिवर, ठीक है? रिवर का जो चैनल फ्लो, रिवर फ्लो जो होता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग रिवर ट्रेनिंग वर्क जो है करते हैं टू अलोंग अ सर्टेन अलाइनमेंट विद अ सर्टेन क्रॉस सेक्शन, ठीक है? तो क्योंकि जो हमारे रिवर होते हैं, रिवर से अटैच जो भी हमारा इनहैबिटेटेड एरिया या एग्रीकल्चरल लैंड होता है, वहाँ पर क्योंकि हमारा जो रिवर जो है, जब उसमें फ्लड या फिर एट द टाइम ऑफ पीक डिस्चार्ज एंड लो डिस्चार्ज जो वाटर होता है वो इनंडेशन फॉर्म में होता है, ठीक है? तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग रिवर को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि वो एक सर्टेन अलाइनमेंट एंड सर्टेन प्रोटेक्शन को फॉलो अप करते हुए रहता है, ठीक है? तो इस तरीके से वो जो उसके एडजेसेंट एग्रीकल्चरल लैंड या फिर जो हमारा इनहैबिटेटेड एरिया होता है उसको वो मतलब इफेक्ट नहीं करता है या फिर उसको डैमेज नहीं करता है. इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, रिवर ट्रेनिंग वर्क जो है अडॉप्ट करते हैं, राइट? सो व्हाट वर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवर ट्रेनिंग वर्क? तो द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवर ट्रेनिंग वर्क वॉज टू प्रोवाइड अ सेफ पासिस ऑफ द फ्लड डिस्चार्ज विदाउट ओवरफ्लोइंग, ठीक है? दरअसल होता क्या है कि एक तरीके से देखें तो जो हमारा फ्लड डिस्चार्ज होता है उस फ्लड डिस्चार्ज को एक तरीके से रिवर ट्रेनिंग वर्क क्या करता है, सेफ पासेस देता है, ठीक है? सेफ पासेस देता है ताकि वो ओवरफ्लो होके किसी भी कल्टीवेटेड या फिर किसी इनहैबिटेटेड एरिया में ना जाए, उनको प्रोटेक्ट करे. तो एक तो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है. दूसरा वो क्या करता है, आउटफ्लैंकिंग जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं रिवर के अक्रॉस, लाइक ब्रिजेस, आपके वियर या बराजेस वगैरह, जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स जो है रिवर के अक्रॉस कंस्ट्रक्टेड होते हैं, उनमें वो क्या करता है, आउटफ्लैंकिंग को प्रिवेंट करता है. मतलब आउटफ्लैंकिंग मतलब जो भी हमारा उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहिष्ट्राव, ठीक है? तो जो आउटफ्लैंकिंग होता है उसको वो रिवर ट्रेनिंग वर्क जो है वो प्रिवेंट करता है, ठीक? द थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवर ट्रेनिंग वर्क इज टू प्रोटेक्ट द बैंक फ्रॉम द इरोजन, ठीक है? और दरअसल ये क्या करता है, जो अलाइनमेंट होता है उसको इम्प्रूव करता है. जो भी हम लोग रिवर ट्रेनिंग वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, हमारे चैनल को स्टेबलाइज करने के लिए. तो स्टेबलाइज करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, एक तरीके से उसका अलाइनमेंट और उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है उसको फिक्स करते हैं, ठीक है? तो ये जो होता है, जो बैंक है, उस बैंक में इरोजन को बचाता है और उस अलाइनमेंट को इम्प्रूव करता है, ठीक है? उसके बाद से एक तरीके से जो इंश्योर करता है, जो हमारा, क्योंकि रिवर में सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल जो ज़्यादा होते हैं, तो सेडिमेंट लोड को का इफेक्टिव डिस्पोजल को ये इंश्योर करता है, ठीक है? और मिनिमम डेप्थ ऑफ फ्लो प्रोवाइड करता है फॉर द नेविगेशन पर्पस. तो ये जो है हमारे कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव हैं जिनकी वजह से हम लोग क्या, रिवर ट्रेनिंग वर्क परफॉर्म करते हैं, राइट? फिर जो हमारे क्लासिफिकेशन है, तीन क्लासिफिकेशन होते हैं. एक है हमारा हाई वाटर ट्रेनिंग, लो वाटर ट्रेनिंग एंड मीन वाटर ट्रेनिंग. तो जो हमारा हाई वाटर ट्रेनिंग है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्ज, ठीक है? ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्ज. लो वाटर ट्रेनिंग मे बी ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेनिंग फॉर डेप्थ. एंड मीन वाटर ट्रेनिंग कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंट, ठीक है? तो हाई वाटर ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ कि एट द फ्लड टाइम प्राइमरी पर्पज क्या होता है इसका, कि फ्लड को कंट्रोल करना, ठीक है? जो हाई वाटर ट्रेनिंग होता है इट इज अंडरटेकिंग विद द प्राइमरी पर्पज ऑफ फ्लड कंट्रोल, ठीक है? फ्लड को क्या करता है, कंट्रोल करता है एट द टाइम ऑफ पीक डिस्चार्ज, वो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग हाई वाटर ट्रेनिंग करते हैं. तो ये इसको कैसे परफॉर्म करेगा, तो ये क्या करता है कि जैसा कि इसके पहले हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था कि एक तरीके से देखा जाए तो जब हमारा मैक्सिमम फ्लड टाइम आता है तो उस मैक्सिमम फ्लड टाइम में ये जो मेजर डिस्चार्ज आता है उसको एक तरीके से सेफ पासिस देता है, ठीक है? तो ये जो हम सेफ पासिस है वो कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर हम सफिशियंट क्रॉस सेक्शन दें तो हम सेफ पासेस को प्रोवाइड कर सकते हैं. और हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइनिंग एरियाज को हम लोग क्या करते हैं, फ्लड प्रूफ करते हैं, या हम कह सकते हैं कि फ्लड कंट्रोल प्रूफ करते हैं. तो हम लोग ये फ्लड प्रूफ कैसे कर सकते हैं, बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइक्स एंड लीव्स, ठीक है? अगर हम कोई मेड़ या बांध इस तरीके का बनाते हैं तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं, राइट?
तो हाई वाटर ट्रेनिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी पर्पस क्या होते हैं, हमारे फ्लड कंट्रोल के लिए हाई वाटर ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि एट द टाइम ऑफ द पीक डिस्चार्ज और पीक फ्लड टाइम इसका काम क्या है, फ्लड को कंट्रोल करना। और वो कैसे कंट्रोल करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग द सफिशियंट रिवर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और जो हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज आ रहा है, मैक्सिमम फ्लड जो आ रहा है, उसको हम क्या करेंगे, सेफ पासेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइक एंड लीप्स। तो ये जो है हमारा क्या होता है, हाई वाटर ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं लो वाटर ट्रेनिंग में। तो लो वाटर ट्रेनिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है, बाय प्रोवाइडिंग सफिशियंट डेप्थ हमें प्रोवाइड करना है। और वो सफिशियंट डेप्थ हमें क्यों प्रोवाइड करना है, नेविगेशन पर्पस के लिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ लोअर डिस्चार्ज या लोअर वाटर पीरियड के दौरान क्या होता है कि वाटर डेप्थ जो होती है वो हमारी सफिशियंटली लो हो जाती है। तो जब वो लो हो जाती है तो हमारा जो नेविगेशन पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमको रिवर को इस तरीके से ट्रेन करना है कि एट द टाइम ऑफ लो डिस्चार्ज नेविगेशन पे कोई अफेक्ट ना आए। तो ये हम नेविगेशन पर्पस को किस तरीके से जो है कर सकते हैं, तो इनको इन्हांस करने का एक ही प्रोसेस है कि जैसे मान लीजिए कि आपका नंबर ऑफ चैनल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ चैनल में अगर हमारा कोई एक चैनल है जहाँ पे हमें वाटर डेप्थ जो है वो अगर मान लीजिए कम है, तो हमें क्या करना है कि जो नंबर ऑफ चैनल में हम क्या करेंगे कि अगर हमारा सब में अमाउंट ऑफ वाटर कम है तो हम किसी एक चैनल के फ्लो को कम कर देंगे या रोक देंगे, ठीक है, रोक देंगे ताकि दूसरे में वाटर लेवल जो है वो सफिशियंटली राइज कर जाए। और जब वहाँ पे सफिशियंटली राइज कर जाएगा तो वहाँ पे हम नेविगेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक पर्पस होता है हमारा लो वाटर ट्रेनिंग का, इट इज डन फॉर दी सफिशियंट बाय प्रोवाइडिंग अ सफिशियंट वाटर डेप्थ फॉर दी नेविगेशन ड्यूरिंग दी लोअर वाटर पीरियड, राइट। एंड इट कैन बी डन बाय दी एनहांसिंग द फ्लो इनटू अ डिजायर्ड चैनल बाय क्लोजिंग द अदर चैनल, ठीक है। एक चैनल को क्लोज कर देंगे और दूसरे चैनल में हम लोग फ्लो करा के वहां पे नेविगेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लो वाटर ट्रेनिंग। द थर्ड वन इज मीन वाटर ट्रेनिंग। तो मीन वाटर ट्रेनिंग में हमें ध्यान रखना है कि हमारा इफेक्टिव डिस्पोजल हो जो भी हमारे सेडिमेंट लोड या बेड लोड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रेमेंडस अमाउंट में जो बेड लोड या सेडिमेंट लोड होता है इनको हम इफेक्टिव डिस्पोजल चाहते हैं, तो ये हम इसका इफेक्टिवली डिस्पोज कैसे कर सकते हैं। तो इनको हम तभी इफेक्टिवली डिस्पोज कर पाएंगे अगर हमारा जो चैनल है वो किसी गुड शेप में होगा, ठीक है। तो अगर जैसे स्लोपी स्टीपी होगा तो ही हम उनको जो है वहाँ पर जो हमारे बेड लोड और सेडिमेंट लोड है उनका हम इफेक्टिवली डिस्पोजल कर पाएंगे। तो ये जो था हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन था मीन वाटर ट्रेनिंग, राइट। सो वॉट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ द रिवर वाटर ट्रेनिंग। तो हमारे पास टोटल 6 मेथड है अडॉप्ट हम करते हैं रिवर वाटर ट्रेनिंग को परफॉर्म करने के लिए। तो द फर्स्ट वन इज मार्जिनल एम्बैंकमेंट, या फिर इसको हम बोलते हैं मार्जिनल एम्बैंकमेंट। मतलब ये हो गया कि एम्बैंकमेंट पे हम किसी तरीके का मार्जिन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल एम्बैंकमेंट, या इसको हम एक और नाम से बोलते हैं क्या, लीप्स, ठीक है, मार्जिनल एम्बैंकमेंट ऑन लीप। फिर सेकेंड है हमारा गाइड बैंक, ठीक है, गाइड बैंक या गाइड बंड, राइट। फिर थर्ड आता है हमारा ग्रायोन्स या स्पर। फोर्थ वन इज पिचिंग ऑफ बैंक बाय प्रोवाइडिंग द लॉन्चिंग एप्रन। एंड फिफ्थ वन इज पिच्ड आइलैंड। एंड सिक्स्थ वन इज मिसलिनियस मेथड, ठीक है। तो वन बाय वन जो है हम सारे मेथड्स को पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे मेथड हम अडॉप्ट करते हैं रिवर वाटर ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है मार्जिनल एम्बैंकमेंट के बारे में। तो मार्जिनल एम्बैंकमेंट, जैसा कि हमने बताया कि मार्जिनल एम्बैंकमेंट जो है वो क्या है हमारा, हम किसी तरीके का एम्बैंकमेंट पे मार्जिन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्जिनल एम्बैंकमेंट जो है वो एक तरीके का अर्दन एम्बैंकमेंट है, ठीक है। अर्दन एम्बैंकमेंट है मतलब सॉइल का बना हुआ है, अर्दन एम्बैंकमेंट है। और इसको हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा रिवर होता है उस रिवर के पैरेलल साइड में हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। फॉर व्हाट, टू प्रोटेक्ट दी एरिया ऑफ द फ्लडिंग से, ठीक है। जो हमारा फ्लडिंग होता है उस फ्लडिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हम मार्जिनल एम्बैंकमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि फ्लडिंग सिचुएशन जो है आपका जो भी रिवर है, अगर हम एम्बैंकमेंट दे रहे हैं तो हमारा जो फ्लड ड्यूरिंग द हाई टाइड और मतलब ड्यूरिंग द फ्लड टाइम या पीक डिस्चार्ज के टाइम में हमारा पानी जो है वो फ्लडेड वाटर जो है वो हमारे किसी इनहैबिटेटेड एरिया या किसी कल्टिवेटेड एरिया में ना जाए, ठीक है। तो मार्जिनल एम्बैंकमेंट जो है वो हमारा एक तरीके का अर्दन एम्बैंकमेंट है which is constructed parallel to the river to protect the area on the side from flooding, ठीक है। ये हमारा basic purpose होता है marginal embankment का, ठीक।
अब देखिए जो हमारा मार्जिनल एम्बैंकमेंट होता है इसी का दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग बंड बोलते हैं या डाइक बोलते हैं या लीव बोलते हैं, हिंदी में उसको मेड़ बोलते हैं, बांध बोलते हैं, ठीक है। ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो जो लीफ या डाइक का कंस्ट्रक्शन है उसको तो रिवर के या तो हम एक साइड करते हैं या फिर दोनों साइड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा डाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइक लीव और बंड जो है ये हमारा ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है। ये ओल्डेस्ट मेथड है फ्लड को कंट्रोल करने का। जैसे कि हमने देखा भी होगा कि बहुत जगह पर बांध या मेड बना के रखते हैं, तो वो हमारा ये ओल्डेस्ट मेथड है। और देखा भी होगा कि वो मिट्टी का ही बना होता है, अर्दन एम्बैंकमेंट ही होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा मार्जिनल एम्बैंकमेंट है उसमें भी कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइक एंड लीव इज द ओल्डेस्ट मेथड, राइट। तो बात ये आती है कि हम इसको डिजाइन किस तरीके से करते हैं। तो मार्जिनल एम्बैंकमेंट जो है उनको हम डिजाइन करते हैं ऑन द सम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अर्दन डैम। जैसे हम अर्दन डैम का डिजाइनिंग करते हैं उसी तरीके से हम क्या करते हैं मार्जिनल एम्बैंकमेंट्स भी जो है वो डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये जो हमारे मार्जिनल एम्बैंकमेंट है, ठीक है, इनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं रिवर के या तो एक साइड में या तो दोनों साइड में, ठीक है, एट द सूटेबल लेंथ। जरूरी नहीं है कि हम इसको थ्रू आउट द रिवर, जैसे जैसे रिवर फॉलो अप कर रहा उसी हिसाब से हम एम्बैंकमेंट बनाएंगे। हो सकता है कि ये हमारे किसी सिटी या किसी टाउन से पास कर रहा है, एज पर द रिक्वायरमेंट जैसा होगा हमारा इसका कंस्ट्रक्शन, वन साइड और टू साइड और सम सूटेबल लेंथ, किसी लेंथ पे कर रहे हैं, कहीं पे नहीं कर रहे हैं जहां पर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो एज पर द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेस जो है हम इसका कंस्ट्रक्शन मार्जिनल एम्बैंकमेंट का करते हैं, ठीक है। अगर जो हमारा मार्जिनल एम्बैंकमेंट है अगर हाई वेलोसिटी फ्लो के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, तो जो हमारा वाटर साइड होता है एम्बैंकमेंट का उसमें हम क्या करते हैं कि पिचिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि हमारा एम्बैंकमेंट हमने बनाया है, तो एम्बैंकमेंट क्योंकि हमारा अर्दन है तो वो हमारा कंपैरेटिवली, जैसे हमने देखा होगा कि कई बार हाई फ्लड के टाइम पे वहाँ पे क्या होता है कटान हो जाती है, ठीक है। तो वो जो कटान होती है अब स्ट्रक्चर जो होता है वहीं पे हमारा वीक होने लगता है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए पिचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो पिचिंग जो है हम किसी स्टोन पिचिंग जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उसको एडिशनल स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने के लिए, राइट। तो अगर ये हमारा कब हो रहा है, जब हमारा फ्लड टाइम आ रहा है या हाई वेलोसिटी फ्लो आ रही है, ठीक है। तो अगर हमारा कोई भी एम्बैंकमेंट इस तरीके का है जहां पर हाई वेलोसिटी फ्लो आ रहा है, तो उस एम्बैंकमेंट पे हम क्या करेंगे, उस वाटर साइड पे, एम्बैंकमेंट के उस वाटर साइड पे हम लोग क्या करेंगे, किसी तरीके की पिचिंग प्रोवाइड कर देंगे फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक है, बचाव के लिए। उसके बाद से देखिए जो हम आगे भी इसको पढ़ेंगे, लॉन्चिंग एपरिन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं एम्बैंकमेंट पे, ठीक है। लॉन्चिंग एपरिन के बारे में विल स्टडी। और जो फ्लड प्रोटेक्शन के लिए या फिर रिवर को कंट्रोल करने के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए एक लीव या डाइक का हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो करते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जो हम मार्जिनल एम्बैंकमेंट में जो हम लीव्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं यानी कि बंड या डाइक्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका जो मेन हमारा पर्पज है वो क्या है, इनका क्या इफेक्ट है, मेनली क्या इफेक्ट है। तो ये जो हमारे लीव्स वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, फर्स्ट काम तो इनका ये है कि ये इंक्रीज करते हैं द रेट एट विच द फ्लो वेव ट्रेवल डाउन द स्ट्रीम, ठीक है, तो उसको इंक्रीज करना। सेकेंड, टू इंक्रीज द वाटर सर्फेस एलिवेशन एट फ्लड, राइट। थर्ड वन इज टू इंक्रीज द मैक्सिमम डिस्चार्ज एट ऑल पॉइंट डाउन स्ट्रीम ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ द रिवर स्टोरेज। फोर्थली, ये रिड्यूस करते हैं हमारे वाटर सर्फेस स्लोप ऑफ द स्ट्रीम ऑन द अप स्ट्रीम साइड, ठीक है। तो ये तो हमारे, चलिए कुछ कुछ हमारे इफेक्ट हैं जो कि हमारे लीव्स को लेके हैं। कुछ कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं कि फेलियर हो जाता है हमारा, कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो भी जो भी हमने लीव या डाइक बनाया हुआ है उनका फेलियर भी किन्हीं किन्हीं वजहों से होता है। जैसे कि अगर ओवर टॉपिंग हो गई होती है तो ओवर टॉपिंग की वजह से भी हमारा जो है फेलियर हो जाता है लीव्स का, या रिवर करंट जो होते हैं वो भी हमारे रिवर साइड को इरोड कर देते हैं, ठीक है। और जो हमारा फाउंडेशन होता है उनसे इनफिल्ट्रेशन भी होता रहता है, तो इसकी वजह से भी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो फाउंडेशन से भी हमारा इनफिल्ट्रेशन होता है, एम्बैंकमेंट से भी होता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो, या मतलब लीव्स वगैरह जो है या डाइक्स वगैरह है उनका फेलियर हो जाता है। तो सम ऑफ द फेलियर पॉइंट एंड सम ऑफ द इफेक्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये जो था हमारा मार्जिनल एम्बैंकमेंट के बारे में था। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है रिवर ट्रेनिंग वर्क का
वो मेथड है हमारा क्या, गाइड बैंक। ठीक है, गाइड बैंक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमारा गाइड बैंक का है। ठीक है, ये जो डायग्राम है वो गाइड बैंक का है। तो गाइड बैंक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि इसके पहले हमने देखा था जो मार्जिनल एम्बैंकमेंट है वो भी हमारा अर्थन एम्बैंकमेंट है। तो जो गाइड बैंक्स होते हैं, गाइड बैंक्स आर दी अर्थन एम्बैंकमेंट, और इनको हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, इट इज प्रोवाइडेड टू कन्फाइन दी फ्लड वाटर। और जो हमारे अलूवियल रिवर होते हैं, उन अलूवियल रिवर में जो हमारा फ्लडेड वाटर होता है, उस फ्लड वाटर को कन्फाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गाइड बैंक का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा रीजनेबल वाटर वे होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट या फिर स्ट्रेट ही प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो हमारा ये गाइड बैंक होना चाहिए वो नॉन टॉर्टुअस होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं होने चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, विच अप्रोच टुवर्ड द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, जो भी हमने रिवर बनाया हुआ है उसके अक्रॉस में हम इसको लगाते हैं। तो अगर हमसे बोला जाए कि जो गाइड बैंक होता है, गाइड बैंक हम मेनली क्यों लगाते हैं, जो हमारा फ्लडेड वाटर होता है उनको कन्फाइन करने के लिए लगाते हैं, स्ट्रेट लगाते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न नहीं होने चाहिए, रिवर के अक्रॉस में लगाते हैं। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि हम इनको रिवर के अक्रॉस में लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिवर है, तो रिवर के अक्रॉस में हमने क्या किया है, ये रिवर है और फ्लो है, और इसके अक्रॉस में हमने ये जो गाइड बैंक है हमारा यहाँ पर, वो हमारा ये गाइड बैंक यहाँ पर लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, फिर जो हमारा सेकंड गाइड बैंक का काम है क्या है कि ये क्या करते हैं, हमारे रिवर को जो मतलब आउट फ्लैंकिंग से प्रिवेंट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए पानी जो है हमारा एक फ्लो में जा रहा है, तो उसके बहिश्राव से, या फिर जैसे मान लीजिए घुमाव बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर मतलब स्ट्रेटली मूव कराने में या एक्सल पाथ को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं कि। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि मतलब अपने कोर्स को, वाटर कोर्स को वो चेंज नहीं करने देता है जो हमारा गाइड बैंक होता है। तो ये क्या करता है कि ये प्रिवेंट करता है रिवर को फ्रॉम चेंजिंग इट्स कोर्स या फिर आउट फ्लैंकिंग ऑफ द वर्क, जो भी हमारा वर्क है, लाइक सपोज अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर है तो उसमें भी ये आउट फ्लैंकिंग से बचाता है। इसके पहले भी हमने पढ़ा था लाइक अगर वेयर या बराजेस वगैरह कंस्ट्रक्टेड है तो उसमें भी ये क्या करता है, आउट फ्लैंकिंग से प्रिवेंट करता है। ठीक है, ओके, तो अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमने आउट जो है गाइड बैंक वगैरह प्रोवाइड किया है, तो अगर हम गाइड बैंक को प्रोवाइड करते हैं तो फ्लो जो है हमारा बिल्कुल जो है नॉर्मल वेलोसिटी से फ्लो करता है और स्काउरिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। सो द लेंथ ऑफ द वर्क टू बी कंस्ट्रक्टेड जो है वो हमारा कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे वेलोसिटी को एबनॉर्मल होने से, वेलोसिटी को कंट्रोल करता है, स्काउरिंग से भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो देखिए ये तो बहुत ही अनइकोनॉमिकल है कि टू स्पैन द एंटायर विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है, एंड एक्सपोज द स्ट्रक्चर टू द अटैकिंग एंड फ्रॉम द स्काउरिंग। सो हम क्या करते हैं कि हम वेयर या बराजेस या फिर कोई भी ब्रिजेस वगैरह जो है वो बनाते हैं और स्मॉलर विड्थ रिवर के अक्रॉस में जो है हम लोग स्मॉलर विड्थ में इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा गाइड बैंक जो है, गाइड बैंक जो है वो मेनली क्या करता है कि हमारे रिवर को मीन्डरिंग से जो है वो बचाता है। जैसे हमने इसके पहले भी बताया था कि मीन्डरिंग में क्या होता है, हमारा जो फ्लो है, फ्लो जो है रिवर का वो मीन्डर करता है। ठीक है, मीन्डर करना इन द सेंस कि वो एक तरीके से हम देखते हैं कि एक्सियल पाथ को फॉलो ना करके वो क्या एक एस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, कर्वेचर फॉर्म करता है। ठीक है, इनर एंड आउटर एजेस पे स्काउरिंग और सिल्टिंग होने की वजह से जो हमारा फ्लो होता है वो मींडर करता है। तो ये जो अब ज़्यादा अगर मींडरिंग करने लगेगा हमारा रिवर तो उसका पूरा मतलब कोर्स ही चेंज हो जाएगा। तो उसको लिमिट करने के लिए या उसके मोमेंट को लिमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो गाइड बैंक्स वगैरह है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इन ऑर्डर टू लिमिट द मोमेंट ऑफ द बैंक ऑफ द मींडरिंग रिवर, सर्टेन स्ट्रक्चर आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर बैंक विच आर कॉल्ड रिवर बैंक प्रोटेक्शन वर्क। ठीक है, तो इसी टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ग्रायोन या स्पर बोलते हैं। ठीक है, ये हम कहाँ बनाते हैं, अक्रॉस बनाते हैं, राइट एंगल जो हमारा एम्बैंकमेंट होता है उस एम्बैंकमेंट से राइट एंगल टर्म। जैसे अगर हम देखें कि अगर ये हमारा एम्बैंकमेंट है, अगर ये इधर एम्बैंकमेंट है
तो इससे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर राइट एंगल में बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हम राइट एंगल जो रिवर का बैंक होता है उससे राइट एंगल ट्रायंगल पे हम इसको बनाते हैं, ठीक। और ये क्या करते हैं हमारा अट्रैक्टिंग और डिफ्लेक्टिंग द फ्लो ऑफ द रिवर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द रिवर बैंक, ठीक है। तो अगर हम देखें ओवरऑल तो ग्रायोन या स्पर का काम क्या है, हमारे जो फ्लड कंट्रोल आता है उस फ्लड को, फ्लडेड वाटर जो आ रहा है उस फ्लड को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो इन ऑर्डर टू लिमिट द मूवमेंट ऑफ द बैंक ऑफ अ मीन्डरिंग रिवर, ठीक है। तो जो हमारा मीन्डरिंग होता है रिवर का, उस मीन्डरिंग में जो हमारा मूवमेंट होता है उस मूवमेंट से ये क्या करता है हमारा रिड्यूस करता है, ठीक है। और उसी के रिडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं फॉर दी प्रोटेक्शन वॉक विच कैन बी कॉल्ड एज ग्रायोन और स्पर। और इसको हम कहाँ लगाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे लगाएंगे, जो भी हमारा मतलब अक्रॉस द रिवर लगाते हैं, जो भी हमारा बैंक होता है रिवर का बैंक उससे 90 डिग्री एंगल पे हम इसको प्रोटेक्ट कर मतलब प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गाइड बंड या फिर बैंक। तो गाइड बंड या गाइड बैंक जो है हमारा, तो जो भी हमारे अलूवियल रिवर होते हैं फ्लड प्लेन में, ठीक है, वो बहुत ही लार्ज एरिया में, लार्ज एरिया को कन्फाइन किए होते हैं ड्यूरिंग द फ्लड, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉस्टली वर्क होता है कि हम जो है ब्रिजेस वगैरह प्रोवाइड करें या फिर कोई एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें अक्रॉस दी जो भी हमारा पूरा रिवर है, तो एंटायर अक्रॉस दी एंटायर नेचुरल स्प्रेड कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करना जो है बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें, उस स्ट्रक्चर को नैरो डाउन करें और उनके फ्लो को एक्सेल होने दें, उनके डाइवर्जेंस को रोकें, ठीक है, उनके जो कोर्स वो वाटर कोर्स को अपने चेंज करता रहता है उससे उसको रोकने के लिए, ठीक है, उससे रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं गाइड बंड्स या बैंक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो गाइड अगर हम देखें तो गाइड बैंक या गाइड बंड्स वगैरह जो हम प्रोवाइड करते हैं तो हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ द गाइडिंग ऑफ द रिवर फ्लो, ठीक है। तो जो भी उसका पास्ट डाइवर्जन स्ट्रक्चर रहा है तो विदाउट कॉजिंग एनी टाइप ऑफ डैमेज, ठीक है, मतलब किसी तरीके का कोई डैमेज हुए बिना हम उसको क्या कर सकते हैं, उस रिवर फ्लो को गाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं गाइड बैंक वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जो गाइड बैंक या गाइड बंड्स वगैरह होते हैं इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब इनका कंस्ट्रक्शन जो है वो या तो अप स्ट्रीम साइड या तो डाउन स्ट्रीम साइड या फिर दोनों साइड में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है हमारा क्या है आउटफ्लैंकिंग वगैरह को बचाता है। तो जिस भी तरीके का मतलब अगर हमें अपस्ट्रीम सेक्शन पे करना है गाइड बैंक या गाइड बंड्स का यूज तो वहां भी कर सकते हैं, डाउनस्ट्रीम सेक्शन पे भी कर सकते हैं या फिर दोनों एंड्स पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली इनका जो पर्पज होता है हमारा गाइड बैंक का वो ये होता है कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर है जो रिवर है उस रिवर को मतलब गाइड करना, उसके फ्लो को गाइड करना, ठीक है। और जो भी उनका पास डाइवर्जन स्ट्रक्चर रहा है उसको बिना किसी डैमेज के उसको गाइड करना, ठीक है। तो जो हमारा गाइड बैंक का क्लासिफिकेशन है उनको अकॉर्डिंग टू उनके मतलब फॉर्म के आधार पर या प्लान के आधार पर उनको तीन पार्ट में जो है वो क्लासिफाई किया गया है। एक तो है हमारा डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और पैरेलल, ठीक है। तो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट या पैरेलल, अब जैसे कि ये जो डायग्राम है इसमें हमारा देखिए डाइवर्जेंट फॉर्म में भी है, जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपस्ट्रीम सेक्शन पे लगा हुआ है स्ट्रेट गाइड बैंक है, कन्वर्जेंट है, इलिप्टिकल है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से या तो डाइवर्जेंट फॉर्म में लगा सकते हैं अपस्ट्रीम साइड पे, कन्वर्जेंट फॉर्म में लगा सकते हैं पैरेलल या फिर किसी भी ज्योमेट्रिक शेप में, स्ट्रेट या इलिप्टिकल या सर्कुलर या मल्टी रेडियाई कर्व्ड हेड के फॉर्म में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कई सारे जो है हमारे गाइड बैंक्स वगैरह जो है वो लगे होते हैं। नॉर्मली हम देखें तो जो ये हमारा सेकंड डायग्राम है स्ट्रेट बैंक, स्ट्रेट गाइड बैंक, नॉर्मली हम जो है इस तरीके का गाइड बैंक ही प्रोवाइड करते हैं जैसे कि इस डायग्राम में है, ठीक है। तो ये जो है हमारे कुछ कुछ टाइप्स ऑफ गाइड बैंक है और उनका डायमेंशन है, ठीक है,
कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, स्ट्रेट है या एलिप्टिकल है, ठीक है। ये इनका एक्सेस ऑफ फ्लो है, यहाँ पे फ्लो का एक्सेस दिखा रहा है, ठीक है, और रिवर करंट जो है वो शो कर रहा है, ठीक, और उनकी पॉसिबिलिटी दिखा रही है कि वर्स्ट पॉसिबल कब होगा, या फिर मतलब जो हमारे पॉसिबल मूवमेंट्स हैं फ्लो का वो दिखा रहा है। यहाँ पर हमें कुछ एंगल्स वगैरह दिया हुआ है कि कितने से कितने एंगल्स के बीच में हम इसको सेट करते हैं, तो 120 टू 145 डिग्री पर हम इसका जो है सिंगल रेडियाई कर्व जो है उसमें 120 टू 145 डिग्री पे सेट करते हैं, ठीक है। मल्टी रेडियाई कर्व में क्या करते हैं, 45 टू 55 डिग्री, 90 डिग्री पे हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे कुछ तरीके, कुछ टाइप ऑफ गाइड बैंक हैं और उनका डायमेंशंस है, राइट। जो हमारे तीन तरीके का हमारा जो गाइड बैंक है, डाइवर्जेंट गाइड बैंक, कन्वर्जेंट गाइड बैंक एंड पैरेलल गाइड बैंक। तो जो हमारा डाइवर्जेंट गाइड बैंक होता है ये क्या करता है, हमारे फ्लो को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड, मतलब अगर हम देखें तो डाइवर्जेंट गाइड बैंक क्या करता है, फ्लो को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और कहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, वेयर द रिवर करंट इज लोकेटेड एट द एज, ठीक। जो हमारा कन्वर्जेंट गाइड बैंक होता है उसका एक जो डिसएडवांटेज होता है मेनली कि ये एक्सेसिव अटैक करता है और हैवी स्काउट करता है हमारे सर्फेसिस को एट द अपस्ट्रीम है, ठीक है। और तो जो हमारा कन्वर्जेंट गाइड बैंक है और जो हमारा डाइवर्जेंट गाइड बैंक है, इनका जो मेनली ड्रॉबैक है कि ये मतलब एक्सेसिव, इनका जो स्प्ले है मतलब जो स्लोप्स वगैरह है वो एक्सेसिव स्प्ले होने की वजह से इनको हम रेयरली यूज करते हैं, ठीक है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट का। तो इसी वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, जो पैरेलल गाइड बैंक होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये जो दोनों डायग्राम है इसमें जो हमारे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट है इनमें स्प्ले होने ज्यादा होने की वजह से इनका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या करते हैं, पैरेलल गाइड बैंक का यूज करते हैं। तो पैरेलल जो गाइड बैंक है हमारे वो स्लाइटली कन्वर्जेंट होते हैं और उनका स्प्ले कितना होता है, 1/20 टू 1/40, ठीक है। तो ये किसी हमारे लोकल कंडीशंस के लिए जो है सूटेबल है, ठीक है। तो स्प्ले कम होने की वजह से, स्प्ले का रेंज क्या है हमारा जो पैरेलल गाइड बैंक है उनका, 1/20 टू 1/40 है। तो लोकल कंडीशंस की वजह से और स्प्ले कम होने की वजह से नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं, पैरेलल गाइड बैंक का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये तो था हमारा गाइड बैंक के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा रिवर ट्रेनिंग वर्क है, नेक्स्ट रिवर ट्रेनिंग वर्क इज ग्रायॉन्स और स्पर, ग्रायॉन और स्पर, ठीक है। तो ग्रायॉन या स्पर जो होते हैं, ग्रायॉन और स्पर जो है उनको हम कहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो दीज आर कंस्ट्रक्टेड ट्रांसवर्स टू द रिवर फ्लो। जो भी हमारा रिवर फ्लो होगा उसके ट्रांसवर्स में हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे फॉर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बैंक इनटू द रिवर, ठीक है। तो आप जैसे अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखो गाइड, यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें ये देखिए यहाँ पर जो है गाइड ग्रायॉन और स्पर लगा हुआ है, ठीक है। तो इनमें हम क्या करते हैं कि इसमें मेनली जो हमारे ग्रायॉन्स और स्पर का काम होता है, ये देखिए ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगा हुआ है, जो भी हमारा रिवर का फ्लो है उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इसको लगाते हैं, और कहाँ से कहाँ तक, जो हमारे बैंक से एक्सटेंडिंग फ्रॉम बैंक टू द रिवर, ठीक है। ये जो हमारा ग्रायॉन्स और स्पर है, इस तरीके का रिवर ट्रेनिंग वर्क हम क्यों परफॉर्म करते हैं, तो इसको जैसा कि जो हमारा रिवर है उसको डिजायर्ड कोर्स, जो भी उसका कोर्स ऑफ फ्लो है उसको डिजायर डायरेक्शन में करने के लिए, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारा कंसंट्रेशन ऑफ फ्लो को या फिर उसके अटैकिंग मोड को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके का स्लैक फ्लो क्रिएट करता है बाय सिल्टिंग अप द एरिया, ठीक है। तो मेनली जो ग्रायॉन्स होते हैं इनको हम क्या करेंगे कि अलाइन कैसे करेंगे, इधर परपेंडिकुलर टू द बैंक और
एट एन एंगल, जो भी हमारा कोई अपस्ट्रीम साइड या डाउन स्ट्रीम साइड पे किसी एक एंगल पे जो है सेट करेंगे, ठीक है। इनको हम स्पर डाइक या फिर ट्रांसवर्स डाइक भी बोलते हैं, ठीक। और स्पर डाइक या स्पर डाइक या फिर हम इसको ट्रांसवर्स डाइक बोलते हैं। और मोस्ट अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रिवर ट्रेनिंग में यूज होने वाला जो है वर्क जो है वो गाइड ग्रायॉन्स या स्पर ही होते हैं, ठीक है। ये वाइडली यूज होते हैं हमारे रिवर ट्रेनिंग वर्क में, राइट। तो ये जो है हमारे क्लासिफिकेशन, अगर हम देखें तो इनके तीन जो है मेनली क्लासिफाई किए गए हैं अकॉर्डिंग टू दी मेथड एंड मटेरियल ऑफ द कंस्ट्रक्शन। सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू दी हाइट ऑफ द स्पर विद रिस्पेक्ट टू दी वाटर लेवल। थर्ड जो है वो फंक्शन के आधार पर है, परफॉर्मेंस के आधार पर है। और उसके बाद जो है हमारा कुछ स्पेशल टाइप ऑफ द स्पर या ग्रायॉन है, जिनमें जैसे मान लीजिए कि परमीएबल या इम्परमीएबल है, या फिर सबमर्ज और नॉन सबमर्ज, अट्रैक्टिंग, डिफ्लेक्टिंग, रिपेलिंग, या फिर सेडिमेंटिंग टाइप का है, या फिर टी शेप का है, हॉकी शेप का, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो टी शेप का है, हॉकी शेप का है, या फिर किंग्ड टाइप है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग मतलब इनके टाइप जो है उनके आधार पर भी जो है हम ग्रायॉन्स या स्पर्स का यूज जो है वो करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जो हमारा ग्रायॉन्स है, ग्रायॉन्स तक हमने देख लिया है, इसके बारे में ब्रीफली जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सो टिल देन थैंक यू।